करके सम्मिलित हुए अयोध्या में। भगवान श्री राम का बाहु स्वरूप देखने के लिए देवता देवियां सब सम्मिलित हुए। दशरथ दान लुटा रहे हैं। तुलसीदास ने एक बहुत बड़ी शंका खड़ी कर दी। उन्होंने लिखा, दशरथ ने, सर्व सुदान दीन सब काऊ और पाबा सब राखा नाय काऊ। दशरथ ने दान दिया और सबने दान लिया, लेकिन पास में किसी ने नहीं रखा, काय को नहीं रखा। हाँ, कोई द्वेष भाव मानते थे, तो ऐसा तो कुछ नहीं। भगवान श्री राम को देख करके दशरथ इतने भाव विभोर हो गए कि सबकी झोली में राम को ही डालते चले गए, सबकी झोली में श्री राम को ही डालते चले गए। तो लिया तो सबने, लेकिन अपने पास किसी ने नहीं रखा। ऐसे तो भगवान का अवतार हुआ। कौतुक देखी पतंग भुलाना, सबको खुशी हुई, देवी देवताओं को, अयोध्या वासियों को, लेकिन कष्ट भी हो गया किसी को श्री राम के अवतार से। कष्ट किसे हो गया? कष्ट हुआ था चंद्रदेव को, इसलिए क्योंकि जब श्री राम का अवतार हुआ, बधाई बज रही थी, तो एक महीना तक दिन बना रहा, रात नहीं हुई। रात जब नहीं हुई तो चंद्रमा बड़े परेशान, रात हो जाती तो हम भी दर्शन कर लेते भगवान के, इस बात को लेकर के वो बड़े दुखी हुए। भक्त जनों, ऐसे भगवान का अवतार हुआ, लेकिन दूसरा सवाल आता है, कब हुआ, कब आए राम इस पृथ्वी पे? तुलसीदास जी बोल पड़े, अवतार हुआ भगवान का त्रेता युग में। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। एक कल्प में
चैत के महीना में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन दिन मंगलवार को भगवान का अवतार हुआ। कितने समय हुआ तो तुलसीदास जी घड़ी का समय तो नहीं लिख पाए कि 1 बजे हुआ या 2 बजे हुआ या 11 बजे हुआ। उन्होंने एक संकेत कर दिया, मध्य दिवस यति सीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। दिन के मध्य में, और दिन का मध्य होता है 12 बजे, भगवान का अवतार हुआ। तीसरा सवाल, क्यों अवतार हुआ, काहे को आए राम? तो सबसे पहले तुलसीदास जी बोल पड़े कि हम बताएंगे, राम को तो आना ही था। क्यों? क्योंकि अधर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, तानाए अधर्म सुंदर अभिमान। भगवान का अवतार होता है। अवर कुंभकर्ण जैसे दुराचारी पृथ्वी पर हो गए, उनका वध करने के लिए भगवान को तो आना ही था। दूसरे विद्वान ने वो बात फेल कर दी, आए राम लेकिन ऐसे नहीं आए। बोले फिर कैसे आए, कहा आप बताएंगे। सुनो, सत्ययुग में स्वयं मनु और शत्रुपा ने भगवान के नाम की तपस्या की। भगवान नारायण जब उनके पास में आए हैं, कहा वरदान मांगो, तो दोनों ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, प्रभु वरदान इतना दीजिए, हमें एक तुम्हारे ही जैसा पुत्र चाहिए। तो नारायण भगवान विचार करते हैं, अब अपने जैसा पुत्र हम कहां से देखें, बड़ा समय लग जाएगा, ऐसा करो इंतजार करो त्रेता युग का, जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तो हम खुद ही तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। ये वरदान पूरा करने के लिए राम का अवतार हुआ। भाई दशरथ स्वयं मनु दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी, तब भगवान विष्णु राम के रूप में आए। तीसरे विद्वान ने वो बात फेल कर दी। उधर भोले बाबा भी कथा सुना रहे हैं, सुनो गिरजा, काहे को अवतार हुआ भगवान का, बोली बता। एक बार नारद ने भगवान को श्राप दे दिया, और जो ये बात सुनी पार्वती पास बैठी थी, दूर जाकर के खड़ी हो गई। श्री राम की पवित्र कथा सुना रहे हो, झूठ बोल करके हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हो, सच बताओ काहे को अवतार हुआ भगवान का। बोले बाबा, बोले पूरी बात सुनो गिरजा, भगत 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 भगत
श्राप दिया। सुना तुम? नारद ने भगवान को श्राप दिया। पार्वती सोचने लगी, तुम क्या कह रहे हो? एक भक्त अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं हो सकता, एक सेवक अपने स्वामी को कभी श्राप नहीं दे सकता। जवाब दिया, पूरी बात सुनो पार्वती। अब हुआ उसमें ये, एक बार प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के बाद महात्मा नारद हिमालय पर्वत पर ठहरे गए और हिमालय पर्वत पे भगवान नारायण के नाम की इतनी घनघोर तपस्या की, उसे देख करके देवताओं का राजा इंद्र हिल गया। सोचने लगा, लगता है महात्मा नारद हमारा इंद्रासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये इंद्र जो था देवताओं का बड़ा कपटी राजा हुआ, जिसका नाम था मल्लद्रभ। ये इंद्र किसी का नाम नहीं था, ये इंद्र नाम की एक पदवी हुआ करती थी। जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता था वो इंद्र बन जाता था। जैसे आज अपने देश में पदवियां हैं, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, और पहले जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता था वो इंद्र बन जाता था। तो एक बार जब मल्लद्रभ नाम का राजा बना है इंद्र, तो ये बड़ा कपटी हुआ। फिर तो इसे बड़ा लगाव हो गया अपनी गद्दी से, कहीं मेरा इंद्रासन नहीं चला जाए। नारद को देखा है तो सोचने लगा, नारद हमारा इंद्रासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो उसने कामदेव और रंभा को भेज दिया। जवाब दिया, जाओ कामदेव, जा करके नारद की आंखें खुलवा करके आओ। कैसे खुलवाओगे? ये तुम्हारा विषय है। कुर्सी की खेचा ता नहीं आसना, कुल दिन पहले से ही चली आए रे। और जितनी बैठवे से ना टूटे उतनी खेचा ता नहीं टूटे। तुम हाजिर है, सही कह रहे। इंद्र अपने चक्कर में रहता था, कहीं ये मेरी गद्दी नहीं चली जाए। और चक्कर वाली बात आती है तो देखो, कोई किसी के चक्कर में नहीं है, सब अपने चक्कर में, सब अपने चक्कर में है। अब आप लोग यहाँ पर बैठे हमारे टूटे फूटे शब्द श्रवण कर रहे हो, तो आप हमारे चक्कर में नहीं, आप अपने चक्कर में। और हम भी कासगंज से भाग के आए हैं, चिल्ला रहे, तो तुम्हारे चक्कर में ना है, हम अपने चक्कर में। अब कोई किसी के चक्कर में नहीं है, सब अपने ही चक्कर में है। चक्कर और है हरी कोई चक्कर में, अरे अपने अपने चक्कर में तो दुनिया भरी है। पुत्र कमाई करके यदि धल्ला वे तो माता करती प्यार, पिता कहे पूत सपूत अकल बंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। Come on!
एक ही गली में अगर बार बार चक्कर लगाए तो जान ले उसे कब चक्कर में है। मतलब है कोई किसी के चक्कर में नहीं है, वो अपने चक्कर में रहता था कि इंद्रा सर नहीं चला जाए, कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाओ। तो उसी समय कामदेव और रंभा चले जहां बृहद वन था, उस वन में जाकर के उपवन खिला दिया। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष खड़े हैं, क्यारियों में फुलवारी लगी है, फुलबारी पे फूल हैं, फूलों पे भमरा किलोले कर रहे हैं, कोयल गीत गा रही है। कैसी थी भगवान की माया कामदेव ने बहा। तो श्री कामदेव ने माया से और सारी माया दिखलाई तो रब्बा आगे बढ़कर के नृत्य करती है, चुनरिया महात्मा नारद के ऊपर लहराती है। कैसी थी भगवान की माया।